वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन। अखबार में नाम, कहानी, यशपाल। जून का महीना था, दोपहर का समय और धूप कड़ी थी। ड्रिल मास्टर साहब ड्रिल करा रहे थे। मास्टर साहब ने लड़कों को एक लाइन में खड़े होकर डबल मार्च करने का ऑर्डर दिया। लड़कों की लाइन ने मैदान का एक चक्कर पूरा कर दूसरा आरंभ किया था कि अनंतराम गिर पड़ा। मास्टर साहब ने पुकारा, हाल्ट। लड़के लाइन से बिखर गए। मास्टर साहब और दो लड़कों ने मिलकर अनंत को उठाया और बरामदे में ले गए। मास्टर साहब ने एक लड़के को दौड़कर पानी लाने का हुक्म दिया। दो तीन लड़के स्कूल की कापियां लेकर अनंत को हवा करने लगे। अनंत के मुंह पर पानी के छींटे मारे गए। उसे होश आते आते हेडमास्टर साहब भी आ गए और अनंतराम के सिर पर हाथ फेर कर पुचकार कर उन्होंने उसे तसल्ली दी। स्कूल का चपरासी एक तांगा ले आया। दो लड़कों के साथ ड्री ला मास्टर अनंतराम को उसके घर पहुंचाने गए। स्कूल भर में अनंतराम के बेहोश हो जाने की खबर फैल गई। स्कूल में सब उसे जान गए। लड़कों के धूप में दौड़ते समय गुरदास लाइन में अनंतराम से दो लड़कों के बाद था। यह घटना और कांड हो जाने के बाद वह सोचता रहा, अगर अनंतराम की जगह वही बेहोश होकर गिर पड़ता, वैसे ही उसे चोट आ जाती तो कितना अच्छा होता। आह भरकर उसने सोचा, सब लोग उसे जान जाते और उसकी खातिर होती। श्रेणी में भी गुरदास की कुछ ऐसी ही हालत थी। गणित के मास्टर साहब सवाल लिखाकर बेंचों के बीच में घूमते हुए नजर डालते रहते थे कि कोई लड़का नकल या कोई दूसरी बेजा हरकत तो नहीं कर रहा। लड़कों के मन में यह होड़ चल रही होती कि सबसे पहले सवाल पूरा करके कौन खड़ा हो जाता है। गुरदास बड़े यत्न से अपना मस्तिष्क कापी में गड़ा देता। उंगलियों पर गुना और योग करके उत्तर तक पहुंच ही रहा होता कि बनवारी सवाल पूरा कर के खड़ा हो जाता। गुरदास का उत्साह भंग हो जाता और दो तीन पल की देर यूं भी हो जाती। कभी कभी सबसे पहले सवाल कर सकने की उलझन के कारण कहीं भूल भी हो जाती। मास्टर साहब शाबाशी देते तो बनवारी और खन्ना को और द तो खलीक और महेश का ही नाम लेकर। महेश और खलीक न केवल कभी सवाल पूरा करने की चिंता करते बल्कि उसके लिए लज्जित भी न होते। नाम जब कभी लिया जाता तो बनवारी, खन्ना, खलीक और महेश का ही, गुरदास बेचारे का कभी नहीं। ऐसी ही हालत व्याकरण और अंग्रेजी की क्लास में भी होती। कुछ लड़के पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज होने की प्रशंसा पाते और कोई डांट डपट के प्रति निर्द्वंद्व होने के कारण बेंच पर खड़े कर दिए जाने से लोगों की नज़र में चढ़कर नाम कमा लेते। गुरदास बेचारा दोनों तरफ से बीच में रह जाता। इतिहास में गुरदास की विशेष रुचि थी। शेरशाह सूरी और खिलजी की चढ़ाइयों और अकबर के शासन के वर्णन उसके मस्तिष्क में सचित्र होकर चक्कर काटते रहते। वैसे ही शिवाजी के अनेक किले जीतने के वर्णन भी। वह अपनी कल्पना में अपने आप को शिवाजी की तरह ऊंची नुकदार पगड़ी पहने, छोटी दाढ़ी रखे और वैसा ही चोगा पहने, तलवार लिए सेना के आगे घोड़े पर सरपट दौड़ता चला जाता देखता। इतिहास को यूं मनस्थ कर लेने या इतिहास में स्वयं समा जाने पर भी गुरदास को इन महत्वपूर्ण घटनाओं की तारीखें और सन याद न रहते थे, क्योंकि गुरदास के काल्पनिक इतिहास का चित्रों में तारीखों और सनों का कोई स्थान न था। परिणाम यह होता कि इतिहास की क्लास में भी गुरदास को शाबाशी मिलने या उसके नाम पुकारे जाने का समय न आता। सबके सामने अपना नाम पुकारा जाता सुनने की गुरदास की महत्वाकांक्षा उसके छोटे से हृदय में इतिहास के अतीत के बोझ के नीचे दबकर सिसकती रह जाती। इस पर इतिहास के मास्टर साहब का प्रायः कहते रहना कि दुनिया में लाखों लोग मरते जाते हैं, परंतु जीवन वास्तव में उन्हीं लोगों का होता है जो मरकर भी अपना नाम जिंदा छोड़ जाते हैं, गुरदास के सिसकते हृदय को एक और चोट पहुंचा देता। गुरदास अपने माता पिता की संतानों में तीन बहनों का अकेला भाई था। उसकी माँ उसे राजा बा ता कहकर पुकारती थी। स्वयं पिता रेलवे के दफ्तर में साधारण क्लर्की करते थे। कभी कह देते कि उनका पुत्र ही उनका और अपना नाम कर जाएगा। ख्याति और नाम की कमाई के लिए इस प्रकार निरंतर दी जाती रहने वाली उत्तेजनाओं के बावजूद गुरदास श्रेणी और समाज में अपने आप को किसी अनाज की बोरी के करोड़ों एक ही से दानों में से एक साधारण दाने से अधिक अनुभव न कर पाता था। ऐसा दाना की बोरी को उठाते समय वह गिर जाए तो कोई ध्यान नहीं देता। ऐसे समय उसकी नित्य कुचली जाती महत्वाकांक्षा चीख उठती कि बोरी के छेद से सड़क पर उसके गिर जाने की घटना ही ऐसी क्यों न हो जाए कि दुनिया जान ले कि वह वास्तव में कितना बड़ा आदमी है और उसका नाम मोटे अक्षरों में अखबारों में छप जाए। गुरदास कल्पना करने लगता कि वह मर गया है, परंतु अखबारों में मोटे अक्षरों में छपे अपने नाम को देखकर मृत्यु के प्रति विद्रूप से मुस्करा रहा है। मृत्यु उसे समाप्त न कर सकी। आयु बढ़ने के साथ साथ गुरदास की नाम कमाने की महत्वाकांक्षा उग्र होती जा रही थी, परंतु उस स्वप्न की पूर्ति की आशा उतनी ही दूर भागती जान पड़ रही थी। बहुत बड़ी बड़ी कल्पनाओं के बावजूद वह अपने
पिता पर कृपा दृष्टि रखने वाले एक बड़े साहब की कृपा से दफ्तर में केवल क्लर्क ही बन पाया। जिन दिनों गुरदास अपने मन को समझाकर यह संतोष दे रहा था कि उसके मोहल्ले के हजार से अधिक लोगों में से किसी का भी तो नाम कभी अखबार में नहीं छपा, तभी उसके मोहल्ले के एक नी संतान लाला ने अपनी आयु भर का संचित गुप्तधन प्रकट करके अपने नाम से एक स्कूल स्थापित करने की घोषणा कर दी। लालाजी का अखबार में केवल नाम ही प्रशंसा सहित नहीं छपा, उनका चित्र भी छपा। गुरदास आह भर कर रह गया। साथ ही अखबार में नाम छपवाकर नाम कमाने की आशा बुझती हुई चिनगारियों पर राख की एक और तह पड़ गई। गुरदास ने मन को समझाया कि इतना धन और यश तो के वल पूर्व जन्म के कर्मों के फल से ही पाया जा सकता है। इस जन्म में तो ऐसे अवसर और साधन की कोई आशा उस जैसों के लिए हो ही नहीं सकती थी। उस साल वसंत के आरंभ में शहर में प्लेग फूट निकला था। दुर्भाग्य से गुरदास के गरीब मोहल्ले में गलियां कच्ची और तंग होने के कारण बीमारी का पहला शिकार उसी मोहल्ले में दुलारे नाम का व्यक्ति हुआ। मोहल्ले की गली के मुहाने पर रहमान साहब का मकान था। रहमान साहब ने आत्मरक्ष और मोहल्ले की रक्षा के विचार से छूत की बीमारी के अस्पताल को फोन करके एम्बुलेंस गाड़ी मंगवा दी। बहुत लोग इकट्ठे हो गए। दुलारे को स्ट्रेचर पर उठाकर मोटर पर रखा गया और अस्पताल पहुंचा दिया गया। म्युनिसिपैलिटी ने उसके घर की बहुत जोर से सफाई की। मोहल्ले के हर घर में दुलारे की चर्चा होती रही। गुरदास संध्या समय थका मांदा और झुंझलाया हुआ दफ्तर से लौट रहा था। भीड़ में से अखबार वाले ने पुकारा, आज शाम की ताज़ा अखबार, नाहर मोहल्ले में प्लेग फूट निकला, आज की खबरें पढ़िए। अखबार में अपने मोहल्ले का नाम छपने की बात से गुरदास सिहर उठा। उसके मस्तिष्क में चमक गया, ओह, दुलारे की खबर छपी होगी। अखबार प्रायः वह नहीं खरीदता था, परंतु अपने मोहल्ले की खबर छपी होने के कारण उसने चार पैसे खर्च कर अखबार ले लिया। सचमुच दुलारे की खबर पहले पृष्ठ पर ही थी। लिखा था, बीमारी की रोकथाम के लिए सावधान, और फिर दुलारे का नाम और उसकी खबर ही नहीं, स्ट्रेचर पर लेटे हुए घबराहट में मुंह खोले हुए दुलारे की तस्वीर भी थी। गुरदास ने पढ़ा कि बीमारी का इलाज देर से आरंभ होने के कारण दुलारे की अवस्था चिंताजनक है। पढ़कर दुख हुआ, फिर ख्याल आया, इस आदमी का नाम अखबार में छप जाने की क्या आशा थी, पर छप ही गया, अपना अपना भाग्य है, एक गहरी सांस लेकर गुरदास ने सोचा। दुलारे की अवस्था चिंताजनक होने की बात से दुख भी हुआ, फिर ख्याल आया, देखो, मरते मरते नाम कर ही गया, मरते तो सभी हैं पर यह बीमारी की मौत फिर भी अच्छी। ख्याल आया, कहीं बीमारी मुझे भी न हो जाए, भय तो लगा, पर यह भी ख्याल आया कि नाम तो जिसका छपना था छप गया, अब सबका नाम थोड़े ही छप सकता है। खैर, दुलारे अगर बच न पाया तो अखबार में नाम छप जाने का फायदा उसे क्या हुआ। मजा तो तब है कि बेचारा बच जाए और अपनी तस्वीर वाले अखबार को अपनी कोठरी में लटका ले। गुरदास को होश आया तो उसने सुना, इधर से संभालो, ऊपर से उठाओ। कूल्हे में बहुत जोर से दर्द हो रहा था, वह स्वयं उठ न पा रहा था, लोग उसे उठा रहे थे। हाय हाय माँ, उसकी चीखें निकली जा रही थी। लोगों ने उठाकर उसे एक मोटर में डाल दिया। अस्पताल पहुंचकर उसे समझ में आया कि वह बाजार में एक मोटर के धक्के से गिर पड़ा था। मोटर के मालिक एक शरीफ वकील साहब थे, उस घटना के लिए बहुत दुख प्रकट कर रहे थे। एक बच्चे को बचाने के प्रयत्न में मोटर को दाईं तरफ जल्दी से मोड़ना पड़ा। उन्होंने बहुत जोर से हॉर्न भी बजाया और ब्रेक भी लगाया, पर यह आदमी चलता चलता अखबार पढ़ने में इतना मगन था कि उसने सुना ही नहीं। गुरदास कूल्हे और घुटने के दर्द के मारे कराह रहा था, कुछ सोचना समझना उसके बस की बात ही न थी। डॉक्टर ने गुरदास को नींद आने की दवाई दे दी, वह भयंकर दर्द से बचकर सो गया। रात में जब नींद टूटी तो दर्द फिर होने लगा और साथ ही ख्याल भी आया का अब शायद अखबार में उसका नाम छप ही जाए। दर्द में भी एक उत्साह सा अनुभव हुआ और दर्द भी कम लगने लगा। कल्पना में गुरदास को अखबार के पन्ने पर अपना नाम छपा दिखाई देने लगा। सुबह जब अस्पताल की नर्स गुरदास का हाथ मुंह धुलाकर उसका बिस्तर ठीक कर रही थी, मोटर के मालिक वकील साहब उसका हाल चाल पूछने आ गए। वकील साहब एक स्टूल खींचकर गुरदास के लोहे के पलंग के पास बैठ गए और समझाने लगे, देखो भाई, ड्राइवर बेचारे की कोई गलती नहीं थी, उसने तो इतने जोर से ब्रेक लगाया कि मोटर को भी नुकसान पहुंच गया। उस बेचारे को सजा भी हो जाएगी तो तुम्हारा भला हो जाएगा। तुम्हारी चोट के लिए बहुत अफसोस है, हम तुम्हारे लिए 200 रुपये का भी प्रबंध कर देंगे। कचहरी में तो मामला पेश होगा ही, जैसे हम कहें तुम बयान दे देना, समझे। गुरदास वकील साहब की बात सुन रहा था, पर ध्यान उसका वकील साहब के हाथ में गोलमोल लिपटे अखबार की ओर था। रह न सका तो पूछ बैठा,
वकील साहब, अखबार में हमारा नाम छपा है। हमारा नाम गुरदास है। मकान नाहर मोहल्ले में है। वकील साहब की सहानुभूति में झुकी आंखें सहसा पूरी खुल गईं। अखबार में नाम? उन्होंने पूछा। चाहते हो छपवा दें? हाँ साहब, अखबार में तो जरूर छपना चाहिए, आग्रह और विनय से गुरदास बोला। अच्छा, एक कागज पर नाम पता लिख दो। वकील साहब ने कलम और एक कागज गुरदास की ओर बढ़ाते हुए कहा। आ भी नहीं छपा तो कचहरी में मामला पेश होने के दिन छप जाएगा, ऐसी बात है। गुरदास को लंगड़ाते हुए ही कचहरी जाना पड़ा। वकील साहब की टेढ़ी जिरह का उत्तर देना सहज न था। आरंभ में ही उन्होंने पूछा, तुम अखबार में नाम छपवाना चाहते थे? जी हाँ, गुरदास को स्वीकार करना पड़ा। तुम्हें उम्मीद थी कि मोटर के नीचे दब जाने वाले आदमी का नाम अखबार में छप जाएगा? वकील साहब ने फिर प्रश्न किया। जी हाँ, गुरदास कुछ झिझका पर उसने स्वीकार कर लिया। अगले दिन अखबार में छपा, मोटर दुर्घटना में आहत गुरदास को अदालत ने हर्जाना दिलाने से इनकार कर दिया। आहत के बयान से साबित हुआ कि अखबार में नाम छपाने के लिए ही वह जानबूझकर मोटर के सामने आ गया था। गुरदास ने अखबार से अपना मुंह ढांप लिया, किसी को अपना मुंह कैसे दिखाता। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।